अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकल स्टार। डे फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी के लंग टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो डे फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर आपके कोर्स एग्ज़ाम और कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट्स होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इसमें है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, गिव क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी फॉलोइंग्स दिए गए क्वेश्चंस में से किसी एक का आप किसी दो का आंसर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं? तो एंटी फंगल एजेंट्स आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। मतलब एंटी फंगल एजेंट एक ऐसे टाइप के एजेंट्स होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे कैन बी क्लासीफाइड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब इनको क्लासीफाई किया गया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे, और टाइप ऑफ फंगाई दे टारगेट, मतलब जिस फंगस को ये टारगेट करते हैं उसके बेस पे, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे एंटी फंगल ड्रग को क्लासीफाई किया गया है। एंटी फंगल ड्रग क्या होते हैं? एंटी फंगल डिजीज़ पहले देख लेते हैं क्या होते हैं। फंगल डिजीज़ क्या होता है? फंगल डिजीज़ में जैसे आपका दांत, खाद, खुजली, आपके बॉडी पे खसरा हो जाना, दाना निकल जाना, ये सारे आपके फंगल डिजीज़ होते हैं। तो फंगल डिजीज़ क्या, फंगल एंटी फंगल एजेंट्स क्या होते हैं? एंटी फंगल एजेंट आर दोज एजेंट व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। मतलब फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसे हम एंटी फंगल ड्रग बोलते हैं। एंटी फंगल ड्रग को दो बेस पे, कई बेस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। जनरली एक बेस है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दूसरा है कि जो फंगल ड्रग होते हैं वो फंगस को किस बेस पे टारगेट करते हैं, इन दोनों बेस पे जनरली हम एंटी फंगल ड्रग को क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, पॉलीइंस। पॉलीइंस क्या होते हैं? पॉलीइंस में जैसे आपका पॉलीइंस में एंटीबायोटिक्स आता है एम्फोटेरिसिन बी और निस्टेटिन, ये दोनों पॉलीइंस कैटेगरी के ड्रग हैं। पॉलीइंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि पॉलीइंस बाइंड टू द फंगल सेल मेम्ब्रेन। मतलब पॉलीइंस कैटेगरी के जितने भी ड्रग्स होते हैं, चाहे वो एम्फोटेरिसिन बी हो चाहे वो निस्टेटिन हो, वो फंगस के सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड करते हैं, और फंगस के जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में जो पोर्स फॉर्म्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है, जिसके वजह से जो इंट्रासेलुलर कंटेंट ऑफ फंगस के अंदर जो इंट्रासेलुलर कंटेंट होता है, जो लिक्विड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जिनके थ्रू फंगस ग्रोथ करते हैं, वो लीकेज कर जाते हैं। उनके लीकेज करने की वजह से या तो फिर फंगस किल हो जाता है या तो फिर उसका ग्रोथ रुक जाता है। जनरली पॉलीइंस ड्रग जब देते हैं तो जब सेल मेम्ब्रेन फंगस का डिसरप्चर हो जाता है, पोर्स खुल जाते हैं, तो जो उसमें कंटेंट होता है वो बाहर निकल जाता है और फंगस किल हो जाते हैं। दूसरा आपका आता है एजोल्स। एजोल्स क्या होते हैं? जैसे इसमें आपका है फ्लोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ATC, ये सब किस कैटेगरी के होते हैं? ये सब एजोल कैटेगरी के ड्रग होते हैं। ये क्या काम करते हैं? जो फंगस के अंदर एर्गोस्ट्राल नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है, जो की कंपोनेंट ऑफ आवर फंगल सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब फंगस के सेल मेम्ब्रेन के लिए एर्गोस्ट्राल बहुत ही मेन कंटेंट माना जाता है, मेन कंपोनेंट माना जाता है। अगर एर्गोस्ट्राल के सिंथेसिस को ही रोक दिया जाए तो क्या होगा कि जो फंगस का सेल होगा वो डेथ कर जाएगा। मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है? एजोल्स इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्ट्राल। मतलब एजोल्स कैटेगरी के जितने ड्रग होते हैं वो क्या काम करते हैं? एर्गोस्ट्राल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। एर्गोस्ट्राल सेल मेम्ब्रेन के ग्रोथ के लिए एक मेन की रोल निभा प्ले करता है, देयर बाई डिसरप्टिंग मेम्ब्रेन फंक्शन एंड कॉजिंग सेल डेथ। मतलब जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाता है। दूसरा है आपका एलाइल एमाइन। एलाइल एमाइन में आपका है जैसे टर्बिनाफाइन, नेफ्टिफिन, ये सारे आपके एलाइल एमाइन कैटेगरी के ड्रग होते हैं। एलाइल एमाइन क्या काम करता है आपका? एलाइल एमाइन क्या काम करता है? अच्छा, जो एर्गोस्ट्राल का सिंथेसिस होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम का रोल होता है, तो एलाइल एमाइन क्या काम करता है? जो स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है जो एर्गोस्ट्राल के सिंथेसिस में
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब जो स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम होता है अगर वो नहीं रहेगा तो एर्गोस्टाल का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो जो एलाइल एमाइंस कैटेगरी के ड्रग होते हैं जैसे टर्बिनाफाइन होते हैं, ये क्या काम करते हैं, स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज को ही इनहिबिट कर देते हैं, जिसके वजह से एर्गोस्टाल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है और उस सेल मेम्ब्रेन डेथ हो जाता है, मतलब सेल डेथ हो जाता है फंगस का। दूसरा है इकाइनोकैंडिंस, जैसे इसमें आता है सेस्पोफंगिन, माइकाफंगिन, एनिडोल फंगिन, तो ये सारे हैं। ये सब क्या काम करते हैं, ये क्या काम करता है, जो बीटा 1,3-डी ग्लूकान होता है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। जो बीटा 1,3-डी ग्लूकान होता है ये फंगल सेल वॉल के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है, जिसके वजह से सेल वॉल वीक हो जाता है और सेल वॉल रप्चर कर जाता है। सेल वॉल के रप्चर करने की वजह से जो उसमें कंटेंट प्रेजेंट होते हैं लीकेज कर जाते हैं और सेल डेथ हो जाता है। नेक्स्ट है पाइरिमिडीन एनालॉग, जैसे फ्लूसाइटोसिन, फ्लूसाइटोसिन है आपका, इसमें क्या काम करता है, फ्लूसाइटोसिन जो 5-फ्लोरोयूरेसिल फंगल सेल में होता है ये क्या काम करता है, इट इनहिबिट्स फंगस डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, मतलब जो फ्लूसाइटोसिन होता है ये क्या काम करता है, डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो सेलुलर प्रोसेस एंड लीडिंग टू सेल डेथ, मतलब जब फ्लूसाइटोसिन देते हैं तो क्या काम करता है, 5-फ्लोरोयूरेसिल विद इन द फंगल सेल, मतलब फ्लूसाइटोसिन फंगल सेल के अंदर 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है और 5-फ्लोरोयूरेसिल फंगल के सेल्स में जो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा था, डीएनए और आरएनए का जो सिंथेसिस हो रहा था उसको इनहिबिट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राइसियोफुल्बिन, ग्राइसियोफुल्बिन क्या है, ग्राइसियोफुल्बिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाए कि ये ट्यूबुलिन नाम के केमिकल एजेंट से बाइंड करते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को, डिसरप्शन ऑफ माइटोसिस को, इन सब को इनहिबिट कर देते हैं, व्हिच प्रिवेंट फंगल सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, मतलब जब ग्राइसियोफुल्बिन देते हैं पेशेंट को तो क्या काम करता है, ट्यूबुलिन से बाइंड करता है, ट्यूबुलिन एक केमिकल एजेंट होता है, एक रिसेप्टर होता है, उससे बाइंड करता है और माइक्रोट्यूबुल में जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको इनहिबिट कर देता है, डिसरप्शन ऑफ माइटोसिस कर देता है, जिसके वजह से जो सेल डिवीजन है और ग्रोथ है वो रुक जाता है, नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होता है, जब आपके लंग्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन करती है, मतलब जब आप कभी किसी को टीबी अगर हुआ है जब वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो उसके जो कफ के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको अगर आप इनहेल कर जाते हो तो क्या, मतलब उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो बैक्टीरिया है उस ड्रॉपलेट्स में, उस कफ में प्रजेंट होता है, इसीलिए डॉट्स में बोलते थे डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सिस्टम। तो उसमें क्या बोलते थे कि जब कभी भी थूकें, मतलब जो आपका स्पुटम होता है अगर उसको आप बाहर स्पिट कर रहे हैं, थूक रहे हैं, तो उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दें, जिससे क्या होगा कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया होगी वो पूरे इन्वायरमेंट में फैल नहीं पाएगी। अगर पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाती है तो जितने पर्सन उस एरिया में रह रहे होंगे या उसके कांटेक्ट में आएंगे उस इन्वायरमेंट में, ऑक्सीजन के थ्रू सांस इनहेल करेंगे, मतलब ब्रीदिंग करेंगे, तो ब्रीदिंग के साथ साथ ही इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपके लंग्स में पहुँच जाएगी और आपके लंग्स में टीबी काज करना स्टार्ट करेगी। एक टाइम के बाद जब उसका ग्रोथ हो जाएगा तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जब ग्रोथ हो जाएगा तो टीबी काज कर देगी। टीबी में क्या होता है कि जो आपका लंग्स होता है उसमें आपके जो ब्रांकाई होता है वो सक्रिय हो जाती है आपका ब्रांकाई और आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हो। जब प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हो तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको फीवर आता है, आपको भूख नहीं लगता है, आपका बॉडी का वेट लॉस हो जाता है। एक क्रोनिक कंडीशन में जब टीबी पहुंचती है तो जब आप कफिंग करते हो, मतलब खांसते हो, तो उस खांसी के साथ में ब्लड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ये क्रोनिक कंडीशन में होता है, तो ये आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है। ट्यूबरकुलोसिस को ही ठीक करने के लिए जो दवा यूज़ करते हैं उसे हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होते हैं, एक ऐसे ड्रग होते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कास्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब जो टीबी होता है एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मक्की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा कास्ड होता है।
इसमें क्या है नेक्स्ट, दीज ड्रग आर क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उनको कई क्लास में बांटा गया है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे और उनके थ्योरेपेटिक यूज़ के बेस पे। मतलब जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं उनको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और थ्योरेपेटिक यूज़ के बेस पे उनको कई कैटेगरी में बांटा गया है। हियर आर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एलॉन्ग विथ एग्जाम्पल, यहाँ पे हम आपको कुछ जो मेन क्लासिफिकेशन है जो मेन ड्रग हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में टू टाइप के ड्रग होते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन ड्रग, दूसरा होता है सेकंड लाइन ड्रग, मतलब आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन, इथाम्बुटाल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आपके फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं। जितने फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं उनकी जो आपकी एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है और जो उनका साइड इफ़ेक्ट होता है वो कम होता है। बल्कि जो सेकेंड लाइन के ड्रग होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है वो कम होती है और साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम जनरली प्रिफर करते हैं फर्स्ट लाइन के ड्रग को ही यूज़ करते हैं। तो जो टीबी होता है, टीबी में आपका जो कोर्स होता है डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सिस्टम, इसमें क्या करते हैं 9 महीने का कोर्स चलता है, 9 महीने के कोर्स में आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन, इथाम्बुटाल, पायराजिनामाइड ये ड्रग देते हैं और स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो इंजेक्शन होता है इसको पर वीक, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, पर वीक आपको इसको IM देना होता है। 3 महीने के बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम बंद कर देते हैं और ये बाकी 4 दवाएं चलती रहती हैं। फिर कुछ टाइम के बाद में पायराजिनामाइड और इथाम्बुटाल को बंद कर देते हैं। इसमें कंफर्म कर लीजिएगा आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन, इथाम्बुटाल, पायराजिनामाइड में किसी 2 ड्रग को बंद कर देते हैं और आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन लास्ट तक चलता रहता है 9 महीना तक। और ये आपकी टीबी की जो कोर्स होता है, टीबी के सही करने का जो कोर्स होता है वो 9 महीने का इलाज होता है। तो ये टीबी का ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट है सेकेंड लाइन ड्रग। सेकेंड लाइन ड्रग में जैसे आपका फ्लोरोक्विनोन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, आपका कैप्रियोमाइसिन है, इथियोनामाइड है, साइक्लोसेरीन है, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड है, अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में जैसे आपका बेटाक्विनिलीन है, ठीक है, ETC, आपका डेलामाइनिड है, तो ये सारे ड्रग आपके मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जब आपके टीबी के ड्रग जो फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग हैं वो रेसिस्ट कर जाते हैं, मतलब वो काम करना बंद कर देते हैं, तो हम लोग इन कैटेगरी के ड्रग को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा एंटी हिस्टामीन्स क्या होते हैं। एंटी हिस्टामीन्स क्या होते हैं तो इसमें देख लेते हैं, एंटी हिस्टामीन आर अ क्लास ऑफ ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एलर्जी आर एलर्जिक रिएक्शन बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ हिस्टामीन। मतलब एंटी हिस्टामीन ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हिस्टामीन के इफेक्ट को ब्लॉक करके अपना एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं या ट्रीट करते हैं। मतलब एंटी हिस्टामिन ड्रग आर द क्लास ऑफ ड्रग व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक एलर्जीज या एलर्जिक रिएक्शन कॉज्ड बाय हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या काम करते हैं, जो हिस्टामिन के द्वारा एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन जो काज हो रहा है उसी को ब्लॉक कर देते हैं। अ केमिकल रिलीज्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द एलर्जिक रिस्पॉन्स, मतलब हिस्टामिन क्या है, एक ऐसा केमिकल है जो आपके बॉडी से जब कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है तो आपके बॉडी से ये सिक्रेट होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, ये दे कैन बी क्लासीफाइड इंटू 2 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर जनरेशन, मतलब जनरेशन के बेस पे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट आपका है फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन, दूसरा सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन। जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन है जैसे आपका डाइफेनहाइड्रामाइन, क्लोरफेनिरामाइन है, ये सारे आपके फर्स्ट जनरेशन के एंटी हिस्टामिन है। फर्स्ट जनरेशन के एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं, दीज एंटी हिस्टामिन आर नोन टू कॉज सेडेशन एंड हैव अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मतलब अगर कोई पर्सन, कोई पेशेंट फर्स्ट लाइन या फर्स्ट जनरेशन के एंटी हिस्टामिन को यूज़ करता है तो क्या होता है, सीडेशन कॉज करता है, मतलब आपको नींद आती है और जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट है दे कैन इफेक्टिवली रिलीव एलर्जिक सिम्टम्स बट आर एसोसिएटेड विथ मोर साइड इफेक्ट।
मतलब ये एलर्जिक सिम्टम्स को तो रिलीव कर देते हैं बट इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपका ड्रॉनिसम होता है, ड्राई माउथ होता है, ब्लड विजन होता है, यूरिनरी रिटेंशन होता है। नेक्स्ट क्लास है आपका सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। इसमें आपका जैसे लोराटेडीन, सेट्टीजीन, फेक्सोफेनाडीन, ये क्या है आपका जो सेकेंड जनरेशन के एंटीहिस्टामिन्स हैं, हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मतलब ये इन सबके लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है एंड आर लेस लाइकली टू कॉज सीडेशन, मतलब ये कम सीडेशन कॉज करते हैं, और इन कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन। मतलब जो सेकेंड जनरेशन के एंटीहिस्टामिन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन के एंटीहिस्टामिन के कंपेरिजन में कम सीडेशन कॉज करते हैं। दे आर कॉमनली प्रिफर्ड फॉर ट्रीटिंग एलर्जीज बिकॉज दे हैव अ रिड्यूस रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट। इन्हीं को जनरली हम प्रेफर करते हैं एलर्जी को ठीक करने के लिए, क्योंकि इनमें साइड इफेक्ट की कम चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राइट अ नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में आपको नोट्स लिखना है। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है? लोकल एनेस्थेटिक्स एक ऐसे ड्रग होते हैं जो किसी भी पार्टिकुलर आर्गन पे अप्लाई करके उसके रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन कर देते हैं। मतलब कभी भी किसी भी आर्गन पे अगर हमको सर्जरी करना है तो उस पार्टिकुलर आर्गन के सेंस को ख़त्म कर देते हैं। मतलब जब ये ड्रग क्या होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स एक ऐसे ड्रग होते हैं जिनको हम किसी पार्टिकुलर आर्गन पे अगर यूज़ करते हैं तो उस पर अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, ये रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन कर देते हैं, उस पार्टिकुलर आर्गन के सेंसेशन को ये लॉस कर देते हैं, तो जिसके वजह से क्या होता है, ईजिली आपका सर्जरी हो पाता है। तो इसको देख लेते हैं क्या होता है। लोकल एनेस्थेटिक्स आर मेडिकेशन यूज टू इंड्यूस टेम्पोररी लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। मैंने बताया है कि बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे सेंस को लॉस करने के लिए, टेम्पोररी लॉस करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक्स को यूज़ किया। दे वर्क बाई ब्लॉकिंग नर्व सिग्नल, मतलब ये नर्व सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल फ्राम रीचिंग द ब्रेन, मतलब जो सिग्नल्स ब्रेन तक, पेन के सिग्नल्स ब्रेन तक सिग्नल्स को पहुँचा रहे होते हैं, जो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, उन्हीं को ये प्रिवेंट कर देते हैं। हेंस हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लोकल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? लोकल एनेस्थेटिक्स एक्ट बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल इन नर्व फाइबर। मतलब लोकल एनेस्थेटिक्स क्या काम करते हैं, आपके जो सोडियम चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स का काम क्या होता है कि सेंस को ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट करके ब्रेन तक पहुंचाना, इनको ये इनहिबिट कर देते हैं। नर्व कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके वजह से आपके चैनल में डिपोलराइजेशन नहीं हो पा। क्या लिखा हुआ है? दिस ब्लॉकेट अकर्स बाई बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन सोडियम चैनल एंड प्रिवेंटिंग द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन नेसेसरी फॉर नर्व डिपोलराइजेशन, जिसके वजह से आपका सोडियम आयन का डिपोलराइजेशन हो जाता है आपके नर्व में, जिसके वजह से सेंस को, मैसेज को ब्रेन तक नहीं कन्वे कर पाता है। टाइप्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो इसको हम टू मेन कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका एस्टर एंड एमाइड। एग्जाम्पल ऑफ एस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक जैसे आपका है प्रोकेन, कोकेन, व्हाइट अमाइल टाइप के जितने लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, जैसे आपका लीडोकेन है, बुपीवाकेन है, रोपीवाकेन है, तो ये सारे आपके लोकल एनेस्थेटिक्स हैं जो आपके टाइप एमाइड टाइप के लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। नेक्स्ट है इसका ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है। द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स वेरी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज स्पेसिफिक ड्रग यूज्ड, कंसंट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक। मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन होता है लोकल एनेस्थेटिक्स का, वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर और ड्रग यूज के ऊपर डिपेंड करता है। सम लोकल एनेस्थेटिक्स हैव अ रैपिड ऑनसेट बट शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। बहुत सारे लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम होता है बट ऑनसेट ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है, व्हाइल अदर हैव अ स्लोअर ऑनसेट बट लॉन्गर। लेकिन कुछ और होते हैं जिनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो ज़्यादा होता है और ऑनसेट ऑफ एक्शन कम होता है। इनको किस रूट से हम एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं? लोकल एनेस्थेटिक्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू वेरियस रूट्स इंक्लूडिंग टॉपिकल एप्लीकेशन, इनफिल्ट्रेशन, नर्व ब्लॉक, एपिड्यूरल, स्पाइनल एनेस्थीसिया, ETC।
नेक्स्ट है साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके, जैसे आपका डिजीनेस है, सीजर है, कार्डियक डिस्टर्बेंस, ये सब आपके लोकल एनेस्थेटिक्स के साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है कि जो आपका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसी को हम ग्लूकोमा बोलते हैं। ग्लूकोमा इज़ अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व, मतलब जो आपका ऑप्टिक नर्व होता है उसमें डैमेज हो जाता है, ऑफन एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, मतलब ये आई ओ पी इंट्रा ऑकुलर प्रेशर के साथ ही साथ इंक्रीज होने के साथ साथ एसोसिएटेड होते हैं, मतलब जो आपके ऑप्टिक नर्व होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ग्लूकोमा हो जाता है। द प्राइमरी गोल ऑफ ग्लूकोमा ट्रीटमेंट इज टू लोअर आई ओ पी टू प्रिवेंट आर स्लो डाउन ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड प्रिजर्व विजन्स, मतलब अगर विजन्स को बनाए रखना है, मतलब आपको अगर विजन्स को कंटिन्यू रखना है, आपको विजन्स को बनाए रखना है तो क्या काम करते हैं, आई ओ पी को घटाना होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को घटाना होता है और ऑप्टिक नर्व को बचाना होता है। तो ऐसे ड्रग जो आपके इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं और ऑप्टिक नर्व जो डैमेज हो रहा है उसको रोकते हैं, तो उन ड्रग को हम ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा बोलते हैं। जैसे इसमें आपका है लेटेनोप्रास्ट, ट्रेवोप्रास्ट, ये सारे आपके ग्लूकोमा में यूज होने वाले ड्रग हैं। जैसे इसमें आपका ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा ट्रीटमेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के कैटेगरी, जैसे आपका है लेटेनोप्रास्ट, बिमेटोप्रास्ट, ट्रेबोप्रास्ट, इन सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर रिड्यूसिंग आईओपी, मतलब ये इंट्राकुलर प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं और एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इनको टॉपिकल आई ड्रॉप के रूप में दिन भर में इवनिंग के टाइम में वंस डेली इन द इवनिंग, मतलब शाम को एक बार यूज़ करते हैं आँख के ड्रॉप के रूप में। इनके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आई रेडनेस हो जाएगा, डार्कनिंग ऑफ द आयरिस और ऑयलेड स्किन या आईलेस ग्रोथ हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स कोई भी यूज़ किया जाता है आपके ग्लूकोमा में, जैसे आपका टिमिलॉल, बीटाक्सोलॉल, बीटाक्सोलॉल, तो इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सारे क्या काम करते हैं, रिड्यूस ह्यूमर प्रोडक्शन, ह्यूमर के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं और आई ओ पी को भी घटा देते हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिकल आई ड्रॉप के रूप में यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट क्या है आपका, सिस्टमेटिक इफेक्ट लाइक डिक्रीज हार्ट रेट, लो ब्लड प्रेशर, इन सब को ये घटा देते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी यूज़ किया जाता है, जैसे इसमें है डोरजोलामाइड, ब्रिनजोलामाइड, तो ये सब क्या काम करते हैं, इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या काम करते हैं, डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करके ये एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को घटा देते हैं। नेक्स्ट है अल्फा टू एगोनिस्ट, जैसे आपका है ब्रिमोनिडीन, एप्राकोलिनिडीन, ये सारे भी क्या काम करते हैं, आईओपी को इंट्रा ह्यूमर के प्रोडक्शन को रिड्यूस एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन एंड इंक्रीज आउटफ्लो, मतलब ह्यूमर के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं और आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है आपका रोकाइनेज इनहिबिटर, जैसे है नेटारसुडिल, ये क्या काम करते हैं, इंक्रीज एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो थ्रू ट्रेबिकुलर मेशवर्क एंड रिड्यूस इपिस्कलर वेनस प्रेशर, इनको भी आई ड्रॉप के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स क्या होते हैं, डाईयूरेटिक्स एक ऐसे ड्रग होते हैं जो आपके यूरिन के फ्लो के आउटपुट को बढ़ा देते हैं, मतलब यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं, यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। क्यों, कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होता है, जैसे बीपी बढ़ जाती है या आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाती है, तो डाईयूरेटिक्स देते हैं। डाईयूरेटिक्स का क्या काम होता है, ये आपके यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है, डाईयूरेटिक्स आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉमनली यूज्ड टू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन एंड प्रमोट द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, मतलब डाईयूरेटिक्स क्या काम करता है, जो एक्सेस फ्लूइड्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। दे आर प्राइमरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन, हार्ट फेल्योर, एडिमा, सर्टेन किडनी डिसऑर्डर, मतलब आपकी बीपी को घटाने के लिए, हार्ट फेल्योर से बचाने के लिए, एडिमा को रोकने के लिए, किडनी डिसऑर्डर को रोकने के लिए डाईयूरेटिक्स को यूज़ किया जाता है।
डाईयूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। डाईयूरेटिक्स वर्क बाय इन्फ्लुएंसिंग द किडनी फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस, मतलब ये किडनी के फिल्ट्रेशन को और रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, लीडिंग टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट, जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। दे टारगेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल्स टू इन्हेंस द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी, मतलब ये जो आपका नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्यूल्स पे टारगेट करते हैं और सोडियम क्लोराइड और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को ये बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे आपका डायूरेटिक्स कितने टाइप का होता है, थायजाइड डायूरेटिक्स है, लूप डायूरेटिक्स है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। तो ये लोग क्या काम करते हैं, जैसे थायजाइड डायूरेटिक्स, ये आपके हाइड्रोक्लोर थायजाइड होते हैं, ये आपके डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं। और ये क्या काम करते हैं, दे एक्ट ऑन अ डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी एंड आर कॉमनली यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन मैनेजमेंट, हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये डीसीटी पे काम करते हैं। लूप डायूरेटिक्स लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं, ये क्या काम करते हैं, सोडियम और क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इनहिबिट कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हार्ट फेलियर और एडिमा जो कॉज हो रहा था वो नहीं हो पाता है। मतलब जैसे आपका लूप डायूरेटिक्स के एग्जांपल क्या है, फ्यूरोसिमाइड, बेमेटेनाइड, टोरसिमाइड, ये सारे आपके लूप डायूरेटिक्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जैसे आपका स्पाइनोलैक्टोन है, एमाइलोराइड है, ये सारे क्या काम करते हैं, रिड्यूसिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डीसीटी, डीसीटी में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को ये घटा देते हैं। एंड कलेक्टिंग डक्ट, मतलब डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को घटा देते हैं। व्हाइल प्रिजर्विंग पोटेशियम लेवल दे आर ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर डायूरेटिक्स, मतलब ये सोडियम के लेवल को घटा देते हैं और पोटेशियम के लेवल को एलिवेट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आपके पीसीटी पे काम करते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे, जहाँ पे आपका एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड प्रेजेंट होता है, ये सारे क्या काम करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर देते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जैसे इसमें आपका है मैनिटोल, ग्लिसरीन, ये सारे क्या काम करते हैं, दीज डायूरेटिक्स इंक्रीज यूरिन आउटपुट बाय क्रिएटिंग एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड प्रिवेंट वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब रीनल ट्यूब्यूल्स में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर देते हैं और क्या काम करते हैं, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं। इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मसल्स क्रैम्प्स हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा आपका, हाइपरकैल्मिया हो जाएगा, ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।